अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एजाज अवान है और आज हम मसाला हाउस में हैं। ये जी यूनिवर्सिटी रोड पे लोकेटेड है, एडजेसेंट टू अफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। इसके साथ ही और भी मशहूर ब्रांड्स जैसे डाउनटाउन बिस्ट्रो हो गया और KFC हो गया, इस तरह के मतलब है। ये बिल्कुल आपके तहकाल के मोड़ से पहले वाले मोड़ में आपको ये लोकेशन इसकी मिल जाएगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हम आज ट्राई करने वाले हैं इनका पराठा रोल, चिकन पराठा रोल स्पेशली, क्योंकि हमने इनकी ऑनलाइन वीडियो देखी थी। हमने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो चलते हैं ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक हमें पराठा रोल अपना तैयार करके दे दें। ये जो है आपका चिकन रोल जो है आपको 220 का, ये वाला हमें रेडी करके दे दें। ठीक है, ठीक है, आप इंतज़ार कर लें। तो भाई ये आप देख सकते हैं हमारे पराठा रोल की प्रिपरेशन शुरू हो गई। चिकन पराठा रोल है, ये उन्होंने दाल के पेड़ा सीधा करेंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए शोर भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी तरह से सीधा कर रहे हैं, ऐसे पराठा रोल हो पराठा ना हो तो फिर पराठा तो अधूरा रह गया ना। माइक को ऊपर कर लेंगे ताकि ज़रा आवाज़ सही आ जाए। अच्छी तरह से ऑयल की लेयर्स आ गई हैं इस पर। अच्छा, मुझे लगा ये लोग बेलन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाथ से भी हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। मतलब अच्छा किस्म का ज़बरदस्त सीधा हो गया पराठा, प्लेन हो गया। वो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है जिसमें पराठा जाएगा। भाई ने बिल्कुल ताज़ा ऑयल निकाला है, ऑयल जो है हीट पे रखा हुआ है, गर्म हो रहा है साथ साथ। ये हमारी मैरिनेटेड जो है चिकन आ गई है, हमारे शेफ हैं। देखें मैरिनेटेड चिकन जो है जा रही है और साथ ही हमारा पराठा भी आ गया गरम गरम तेल में। सही पूड़ियों की तरह बन रहा, जैसे पूड़ी गर्म होती है ना उस तरह। और पराठा हमारा रेडी हो गया बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का। इन्होंने पेपर ले आया, उसके ऊपर पराठे को रख देंगे ये लोग। माशाल्लाह से चिकन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, मसालेदार। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये सॉसेस इसके ऊपर से जाएंगे। ये कौन सी सॉस है? इमली सॉस। ये इमली सॉस इसके ऊपर आ गई है। अभी ये सब्ज़ी जाएगी इसके ऊपर। ये चिकन साथ साथ डाल रही है इस पर, माशाल्लाह। जबरदस्त, और ये चटनी है, चटनी जा रही है। इसके बाद देखते हैं, ये है जी केचप लग रहा है, ओ मेयोनीज है।
ये मेयोनीज है, मेयोनीज चाल मायो गार्लिक है जी। और ये हमारा पराठा रोल रेडी है, रेडी टू बी सर्व। अच्छा तो भाई यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया था। हमने सारी टेस्टिंग वगैरह की वीडियो बनाई है, खाना वाना खा भी लिया, ऑलमोस्ट आफ्टर ने वाला रहता है। चेक किया कि भाई वीडियो बन भी रही है या नहीं, तो देखा वीडियो ही नहीं बन रही, सारा का सारा वो वेस्ट हो गया। फिर दोबारा ऑर्डर करूँ क्या, थोड़ा पेट भर गया। आखिरी बाइट है, आखिरी बाइट कम से कम आप लोगों को दिखा सकूँ, फिर इस पर बताता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। चले जी, माशाल्लाह से खाना तो हमने खा लिया, ठीक था। वो बात है कि एक बंदे को अगर पेट भरना हो ना अपना, तो ये ठीक है। चिकन भी ठीक अमाउंट में है, ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है ना, ये कह सकते बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे अमाउंट में। खीरे ने ना जायका थोड़ा सा ख़राब किया था, खीरे को हमने इसलिए साइड पर हटा दिया। स्वीटनेस भी आ रही थी साथ साथ, मसाला भी आ रहा था, हमने साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई है। मेरे जैसे बंदे के लिए स्पाइसी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन चीज़ अच्छी है, आपको मतलब पेट भरना हो तो पेट भरने के लिए चीज़ अच्छी है। 220 रुपीस में आई गेस इट्स इनफ। आजकल 220 रुपए की तो बिरयानी भी नहीं मिलती है। अच्छा इनके ग्लास बड़े मज़े के हैं, ये देखें स्टाइल, देखें साइडों से होके जा रहे हैं, ये बड़े मज़े के लगे मुझे, यूनिक है, न्यू आइडिया। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया, इसमें हमें साथ में सर्व की गई थी, मतलब जो कि प्लेट अब ख़त्म भी हो गई है, वो बात अलग है कि वीडियो नहीं बनी है। इमली सॉस थी, चटनी थी और गार्लिक मेयो थी, और दो एक बड़ा शवारमा कह रहा हूँ, पराठा रोल था चिकन वाला। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, देखिए रूल्स ऑफ मसाला हाउस, नो स्टीलिंग कोस्टर्स, खुदा खौफ करे, नो फ्लर्टिंग विद द स्टाफ, नो मेकिंग फेसेस एट द फूड, नो वॉशिंग हैंड इन द प्लेट, खावा थोड़ी है, ऑल रेसेस आर वेलकम, रेसेस नहीं है कम अज़ कम ये आप। अच्छा तो ये इनका साथ में मेन्यू है, इसमें मतलब अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल रही हैं, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें। और ये प्लेटर्स भी हैं इनके, प्लेटर्स देखें 600 से शुरू होते हैं और 4600 तक जाते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा तो भाई बिल का वक्त आ गया, कितना हो गया बिल भाई जी, कोई बताएं जी, बताएं मैं कुछ नहीं होता, मेहमान फिर कभी होता, बताएं जी बताएं, अगली बार आएंगे तो बिल इंशाल्लाह बताएं, ज़रूर बताएं भाई, इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम बिल ना दें, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ पहले से, पर ही बताएं मुझे, नहीं कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर हो गया, बस हो गया, बस हो गया आपका पेमेंट हो गया, चलें बताएं जी, खैर चलें। अच्छा बिल के बारे में बता दें, क्या कितने प्राइस का क्या हुआ है, 220 का चिकन पराठा रोल, 220 का चिकन पराठा रोल है, एक सॉफ्ट ड्रिंक का 70 के सॉफ्ट ड्रिंक है, टोटल हो गए 290 हमारा टोटल बिल हो गया। चलिए ठीक है भाई की मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी थी, सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है भाई, पैसे लेने से भी मना कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, हम भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम मुफ्त में खाने खाएंगे, लेकिन चले मेरे ख्याल से इनकी डिलीवरी भी है, आपको ये होम डिलीवरी भी करा के देते हैं। मैंने इनकी जो है चिकन सज्जी उसके बारे में बड़ा सुना था, पटाखा चिकन इनकी है उसके बारे में बड़ा सुना था, लेकिन वो हम करेंगे कुछ अर्से बाद, क्योंकि यकम आने दो, यकम आ जाए फिर उसके बाद ज़रा बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी हाथ लगाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी खाएंगे। तो पराठा रोल अभी के लिए हमने ट्राई कर लिया, अच्छा हमें लग गया। तो भाई ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मैं लेता हूँ लीव, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।